केजरीवाल को भी अब जाने का समय आ चुका है। पंजाब में जाके कहता है मैं नशा मुक्त करूंगा, अरे उसको मुख्यमंत्री बना दिया भगवत मान को, जो सुबह उठते ढक्कन खोल के दारू पीता है उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया। 854 शराब के ठेके दिल्ली में खोल दिए हैं, क्या ये नशा मुक्त करेगा? ये बहुत दोगला इंसान है, इससे ज्यादा गंदा आदमी पूरे देश में नहीं है। 1108 झूठे आदमी मरे थे तो एक खुजलीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल को पर्सनली मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे एनजीओ में था, झूठ बोलने में नंबर वन है ये। ये जान करके कमीज का बटन एक ऊपर और एक नीचे लगाता है लोगों को दिखाने के लिए, चप्पल पहनेगा, पैंट चुराब के अंदर डाल लेगा, ये जान करके ड्रामा करता है, इससे ज्यादा ड्रामेबाज नहीं है। जो जो हमारे संविधान को कहता है ये तो एक अमीर आदमियों के चोटले हैं। आपको याद होगा रेल भवन के ऊपर इसने जब ये मुख्यमंत्री बना था तो वहां धरने में बैठ गया था। अरे जो हमारे संविधान को नहीं मानता कहता मैं अराजकता हूँ, ये केजरीवाल ने कहा स्टेटमेंट में, और ये तो सबसे बड़ा अराजकता है। ये तो सिर्फ एक ही बात सुनता है कि मेरे को वोट कैसे मिलेगा, पंजाब में जाके खालिस्तानियों की गोदी में बैठ गया, दिल्ली के अंदर ये शाहीनबाग की गोदी में बैठ गया। इसका यही काम है देश को बर्बाद करना। मैं सभी से अपील करूंगा, पंजाब वालों से और दिल्ली वालों से, कि इस गिरकिट से बचें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे।